ध्यान हमारी चेतना की स्वयं की ओर जाने की यात्रा है। स्वयं तक पहुंचने के लिए हमें मन और शरीर को उत्कृष्ट बनाना पड़ता है। जब हम स्वयं पहुंच जाते हैं तब हमें भरपूर विश्व शक्ति मिलती है। ज्यादा विश्व शक्ति हमें ज्ञान के क्षेत्र में ले जाती है। ज्ञान या बोध क्या है, इस पर विचार करते हैं। ध्यान हमारे ज्ञान को ऊंचे स्तर तक ले जाता है। ज्ञान और कुछ नहीं, केवल एक अनुभव है। अनुभव और कुछ नहीं, केवल अपने आप में पूरी तरह डूब जाना है। ज्यादा से ज्यादा ध्यान करने से हमें ज्यादा शक्ति मिलती है। इस ज्यादा शक्ति से हम हर चीज में ज्यादा ग्रस्त हो जाते हैं और इस तरह हम ज्यादा ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान के द्वारा हमारी समझ बूझ और बुद्धिमत्ता में वृद्धि होती है। इस समझ बूझ से हम समझ जाते हैं हम केवल शरीर और मन ही नहीं है। हम समझ जाते हैं कि हम एक अद्भुत जीव है। और ज्यादा समझ के द्वारा अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। ज्यादा शक्ति और ज्यादा ज्ञान हमारी चेतना का विस्तार करता है। चेतना का विस्तार ही आत्मा का ध्येय है। ज्यादा ज्ञान हमें विशिष्ट इंद्रियों द्वारा मिलता है, जैसे दिव्य चक्षु और सूक्ष्म शरीर। दिव्य चक्षु हमारी आत्मा का बहुत ही शक्तिशाली माध्यम है। ये परलोक की वास्तविकता देखने, महसूस करने और सुनने का बहुत ही शक्तिशाली साधन है। आत्मा की ये तीन प्रक्रियाएं ही दिव्य चक्षु हैं। ज्यादा से ज्यादा ध्यान करने से ज्यादा शक्ति बहने लगती है। ज्यादा शक्ति दिव्य चक्षु को गतिशील करती है। ध्यान करने के लिए ये अनोखा अनुभव है। दिव्य चक्षु जब गतिशील होने लगता है तब हमारे मस्तिष्क यानी माथे पर खिंचाव और खुजली होने लगती है। हमें विभिन्न रंगों की झलकियां अपने चारों ओर घूमती हुई दिखाई देती हैं। फुसाहट और चलने की आवाजें सुनाई देती हैं। हमें लगता है कि जैसे हम घुप अंधेरी सुरंग में यात्रा कर रहे हैं।
जब हम ज्यादा ध्यान करते हैं तो हमारे प्राणमय शरीर को काफी दिव्य शक्ति मिल जाती है, जिससे हमारे दिव्य चक्षु की सिद्धि हो जाती है। हमें ये स्तर और दूसरे स्तर साफ दिखाई देने लगते हैं। दिव्य चक्षु की संपूर्णता से हमें बहुत सी चीजें आंखों से ज्यादा साफ दिखाई देने लगती है। हमें दूसरे स्तरों की वास्तविकताएं दिखाई देने लगती हैं। हमें दिखाई देती हैं वो चीजें जो पांच ज्ञानेंद्रियों से भी दिखाई नहीं देती। हम महसूस करते हैं वो बहुत सी चीजें जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। हमें सुनाई देती हैं पार्श्व ध्वनियां, दूसरे स्तर के वाद्यों की आवाजें। हमें दिखाई देते हैं वो महापुरुष जिनका शारीरिक रूप हमारे साथ नहीं है। हमें दिखाई देते हैं वो महापुरुष जिनका शारीरिक रूप हमारी कल्पना में है। अधिक ध्यान करने से हमें वो महापुरुष तीव्र ज्योति के रूप में दिखाई देते हैं। तीव्र ज्योति के रूप में देखने के बाद भी हम उन्हें पहचान सकते हैं। हम महापुरुषों का संदेश सुन सकते हैं। हम महसूस करते हैं एक सुरंग में यात्रा करने का अनुभव और अंत में प्रकाश में विलीन होने का अनुभव। हम जानते हैं कि दिव्य चक्षु के अनुभवों के द्वारा हम अपनी सारी समस्याओं का समाधान महापुरुषों द्वारा भेजे गए संदेशों से कर सकते हैं, या दूसरे लोगों की वास्तविकताओं द्वारा एक अनुभव के रूप में। इससे हमारी हरकतें बदलेंगी, हमारे विश्वास बदलेंगे, हमारी समझ बदलेगी।